चैनल। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ऐसे फेसबुक का स्क्रॉल डाउन कर रहा था, मेरे स्कूल का कुछ सर्टिफिकेट आया था, तो वही पे ना मेरे को एक द्वारका का कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह दिखा। तो मैंने सोचा यार देखो, मैंने उसके रूल्स वगैरह पढ़े एंड मुझे थोड़ा अच्छा लगा। और द्वारका सेक्टर 21 में है वो कॉम्पटिशन। तो अभी मेरे को एक बार मम्मा से पूछना है, श्योरिटी लेनी है, शायद अगर मम्मा कर लें तो। और मम्मी का जो स्टेज फोबिया है एंड जो कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा वो भी हाई हो जाएगा। एंड चलो यार अभी पूछते हैं, तो आ जाओ मेरे साथ। चलो गाइस अभी हमसे पूछते हैं। हेलो मम्मा। हेलो बेटा। देखो अभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जब थोड़ी देर पहले फेसबुक स्क्रॉल डाउन कर रहा था, वहाँ पे मेरे को एक द्वारका का वो मिला, कॉन्टेस्ट कुछ दिखा। एक कॉन्टेस्ट हेल्ड होने वाला है 27 तारीख को। तो अरे इधर ध्यान दो ना मम्मा, मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो आप पार्टिसिपेट करना चाहोगे? मैं आपको अभी सारे रूल्स वगैरह दिखा दूंगा। क्या कहते हो, आपका स्टेज का भी फोबिया हट जाएगा? स्टेज फोबिया नहीं बेटा, आई एम नॉट वेल, तुम्हें पता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अरे हो जाएगी ना मम्मा, आप ट्राई तो करके देखो बेटा। मुझे स्कूल से आया था इसके रिगार्डिंग मैसेज। अच्छा, बट द थिंग इज आई एम नॉट वेल बच्चे। तो आपने मेरे को बताया क्यों नहीं आया था? क्योंकि मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना था इसलिए। अरे मम्मी व्लॉग भी बन जाएगा, सोचो ना। मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है फिर। अरे अभी 2-3 दिन में हो जाएगी, ट्राई तो कर एक बार करके तो देखो, अगर होएगी तो चल लेंगे ना। मैं अकेली जाऊंगी, कैसे करूँ? अरे मैं और दीदी भी चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कोई और भी कंपेनियन भी चाहिए। अरे तो फिर आपके फ्रेंड भी तो है, अंजू आंटी एंड रंजू आंटी, उनको ले चलो। हाँ तो आप एक बार पूछ के देखो, उनको भी थोड़ा हो जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। एक बार सोचो ना मम्मा, अगर आप जीत गए तो। नहीं जीतना इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, द थिंग इज टू यू नो फेस द ऑडियंस। और अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, एक बार तो ट्राई करके देखो। हाँ इतनी बड़ी ऑडियंस को फेस करना, क्या बोलते हो, तो करोगे? फिर मुझे अंजना आंटी और अंजना आंटी से पूछना पड़ेगा फोन करके। पूछ लेना ना, अगर वो रेडी होती है तो चल, कुछ कोई साथ में हो तो ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर मेरे को लगता नहीं कि आई कुड डू दिस। अच्छा चलो अभी आज तो वेल 25 है, बट आप ऐसा करो, अभी हमारे पास 2 दिन है, तो आप उनसे कॉल वगैरह पूछ लो और सारा जो सामान है वो रेडी वगैरह कर लो। ठीक है मैं कॉल करती हूँ, फिर बताती हूँ तुम्हें करना है कि नहीं करना। अगर करना होगा तो फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कर दूंगी। ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। मैं आपको भी सारे रूल्स वगैरह बता देता हूँ, आप देख लो। चल ठीक है। गाइस अभी मम्मा की तो बात आई होप हो गई है, तो अभी वो बात ही कर रहे थे, मैं तो इधर टीवी देख रहा था। तो चलो एक बार पूछ लेता अगर हाँ कह दी रहती। हाँ ठीक है मैं सही। ओके अमक, तो फिर चल रहे हो? हाँ मैं जरा दो आंटियों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेंड कर देती हूँ। यस गाइस, तो अभी देखो, अभी मम्मी ने भी हाँ कर दिया, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अब let's देख see. लो सो लेट्स सी, क्वेश्चन इज नॉट ऑफ विनिंग और लूजिंग, क्वेश्चन इज टू फेस द ऑडियंस एंड टू गेन द कॉन्फिडेंस, दैट्स इट, टू हैव अ न्यू एक्सपीरियंस। हम भी कुछ फन कर लेंगे वहाँ पे, बहुत मजा आने वाला है, एक्सपीरियंस करेंगे, थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उस ये सोच के हम चलेंगे कि हम वहाँ पे फन करने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, दैट्स इट। तो चलो गाइस अभी मम्मा भी मान गए हैं, तो अभी तो सीधा 27 तारीख को ही मिलते हैं। बाय, फिंगर्स एंड होप फॉर द बेस्ट। यस बाय, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय मम्मास चैनल। और आज फाइनली 27 तारीख है एंड आज मेरी मम्मा और उनकी दो फ्रेंड्स आई है, वो भी कंपटीशन में पार्ट ले रही हैं। सो चलो मैं आप सबको दिखाता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। आज यहाँ पे कशिश दीदी अंजना आंटी को तैयार कर रहे हैं। ये रही कशिश दीदी, और यहाँ पे मम्मा और अंजना आंटी तैयार हो रहे हैं। हेलो। तो गाइस अभी तो सारे तैयार हो रहे हैं और एक दूसरे को तैयार कर रहे हैं, और इसके बाद तो भी हम सीधा आपको जब बाहर निकलने लगेंगे तब मिलते हैं। एंड अभी तो बहुत मज़ा आने वाला है, देखते हैं सारे कैसे परफॉर्म करते हैं। तब तक के लिए बाय। अभी ऐसा दिख रहा हूँ, ये मेरा लुक है एंड अभी मैं नंगे पैर हूँ। अभी अपनी जो मेरी सैंडल्स है वो पहनूंगा और अभी आपको सबसे मिलवा भी। यहाँ पर सारे लोग हैं, यहाँ पे कशिश दीदी, यहाँ पे रंजना आंटी, यहाँ पे अंजना आंटी,
और यहाँ पे मम्मा। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एकदम मेन जगह पे एंड अभी मैं थोड़ा सा जोर से बोल रहा हूँ क्योंकि लाइक पीछे पूरा आप पीछे पूरा देखो पूरा चल रहा है। और अभी मेरी मम्मी और जो आंटी है और जो फ्रेंड आई है उनकी, तो वो है वहाँ पे। अभी मैं जा तो नहीं सकता वहाँ पे, बट आप यहाँ का व्यू देखो गाइस, इट्स ऑसम। वहाँ से प्लेन भी आ रहा था देखो। एंड अभी देखते हैं, मेरी दीदी ने भी पार्टिसिपेट कर लिया है तो अभी वो भी देखना कि वो क्या करती है। तो चलो अभी सीधा मिलते हैं तब। तो गाइस अभी ये मेरे फ्रेंड है कार्तिक भैया एंड अभी ये अंजना आंटी के बेटे हैं। ये सारे मेन काजल चैनल मैम है, उनके साथ। हेलो। और यहाँ पे अंजना आंटी। हां चलो ये which I think all of us can relate to completeness of a woman, because I think women is someone who have done many roles, wear many hats, be it her professional or personal life. So today our crowning is all about the most dynamic diva. And when we talk about it, most dynamic diva, awaz aur shor, thoda taaliyan bajni chahiye because we are here to celebrate womanhood. Please zordar taaliyan ho jaye for the title. And all the women, apne liye ek baar zordar taaliyan ho jaye. Gulnar ho ishq ko meetha. Dekha, laashe pade baithe hain ye log. Gulnar ho ishq ko meetha. गुड़ नाल विशिक मीठा
गाइस अभी हमारा हो चुका है एंड अगली बार देखते हैं कब होएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय। सो हेलो गाइस एंड दिस इज द सेकंड डे ऑफ रिकॉर्डिंग, क्योंकि हम जैसे ही आए थे तो रात को तो सो गए थे, बहुत थके हुए थे तो आउटर वगैरह कुछ नहीं दे पाए। तो चलो अभी सबसे उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। एंड यस, रंजना आंटी सेकंड राउंड तक क्वालिफाई हुई, वो बहुत अच्छी बात है, तो उनका भी उनसे एक्सपीरियंस पूछेंगे। चलो आ जाओ। तो गाइज अभी मेरी यहाँ पे मम्मा और दोनों फ्रेंड्स बैठे हैं उनके। मम्मा हेलो हेलो। तो आप तीनों का एक्सपीरियंस कल कैसा रहा? कैसा रहा बताइए। हमें तो बहुत अच्छा रहा, हम लोगों को बहुत एंजॉय किया, हम लोगों ने इतना अच्छा मिला मेहमान, अपने आप को मतलब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ गया। बिल्कुल बहुत मजा आया, हमें तो फुल एंजॉय करा, इतनी ऑडियंस को फेस किया फर्स्ट टाइम, एंजॉय किया इतना और डांस किया और कॉन्फिडेंस लेवल ये इंडीड इट इंक्रीज्ड और बहुत अच्छा लगा ओवरऑल। तो इसी बात पे आप सबके एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उसी बात पे क्या करना चाहिए हमें इस वीडियो को? लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यस गाइस अभी तो मेरी मम्मा और दोनों फ्रेंड्स ने भी बोल दिया है, तो अभी आप कर दो लाइक कर देना। बाय बाय, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय बाय।